दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान हुई झड़पों ने पूरे देश को परेशान कर लिया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर मोहम्मद अंसार का नाम सामने आ रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अंसार के खिलाफ पहले से ही 7 मामले दर्ज हैं। आखिर कौन है अंसार और उसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया, आइए बताते हैं आपको उसकी पूरी आपराधिक कुंडली। पूरा नाम मोहम्मद अंसार, पेशे से कबाड़ी, पढ़ाई लिखाई 4th पास। मोहम्मद अंसार का जन्म साल 1980 में दिल्ली के जहांगीरपुरी की झुग्गी बस्ती में हुआ था। जहांगीरपुरी बी ब्लॉक के रहने वाले 35 साल के अंसार के खिलाफ हमले के 2 मामले दर्ज हैं। उसे अन्य धाराओं के तहत भी पहले भी कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा भी उसके खिलाफ जुआ और शस्त्र अधिनियम के तहत 5 बार मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इसका डोजियर 20 फरवरी 2009 को तैयार किया था। दिल्ली पुलिस के डोजियर के मुताबिक इसके खिलाफ पहले से ही 7 मामले दर्ज हैं। जुर्म की दुनिया में अंसार की एंट्री चाकू के साथ हुई थी, तब उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा लगाई गई थी। दूसरा मामला साल 2018 का है, तब अंसार पर सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने की धारा लगाई गई थी। इसके अलावा साल 2020 में CAA और NRC को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान भी धरना स्थलों पर वो एक्टिव रहता था। इस बार जब दिल्ली पुलिस ने इसे शिकंजे में लिया तो उसकी पत्नी ने अपने शौहर को बेगुनाह बता दिया। उसकी पत्नी शकीना का दावा है कि वो झगड़ा सुलझाने गए थे और उन्हीं को फंसा दिया गया। बहरहाल पुलिस के मुताबिक आगे की जांच जारी है, हो सकता है अंसार को लेकर कुछ और खुलासे भी हो जाएं। टीम खबर अपडेट।